आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ग्रामीण मंडल एवं ब्राह्मणों की शरीरी ग्रामीण मंडल आसीन द्वारा संयुक्त रूप से उपखंड अधिकारी आसीन संदीप कुमार काकड़ को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधायक जबर सिंह सांकला एवं विधानसभा प्रभारी मदनलाल भंडारी, भाजपा जिला मंत्री गोपाल सिंह चुंडावत, आसीन नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, किसानों की कर्ज माफी एवं 8 घंटे बिजली की आपूर्ति के संबंध में तथा किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने रीट परीक्षा में हुई धांधली के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। नगर अध्यक्ष सत्यनारायण छिपा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में बिजली प्रबंधक की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हाल ही में आयोजित हुई रीट भर्ती परीक्षा में धांधली हुई, जिसका संपूर्ण जिम्मा राज्य सरकार का है। प्रदेश की जनता पूरी तरह से राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से नाखुश है। वही ज्ञापन में बताया कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के बिलों में 833 प्रति माह का जो अनुदान दिया था, उसे भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर 4% वैट राशि भी बढ़ा दी गई है। इस प्रकार कई जन समस्याओं से राजस्थान की जनता त्रस्त है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल, नगर मंडल एवं विभिन्न युवा मोर्चा ब्राह्मणों की सरेरी नगर मंडल आसीन के द्वारा राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी मदन भंडारी, आंसी धुरडा क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह सांखला, नगर पालिका चेयरमैन देवीराज साहू, नगर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण छपा, नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चुंडावत, ब्राह्मणों की सरेरी मंडल अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, मंडल महामंत्री नरेंद्र सोनी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमलेश सिरोठा, शिवपाल जी नगर, तेजवीर सिंह चुंडावत, गोपाल सिंह चुंडावत, मूल सिंह कांठेड़, रंजीत सिंह झालरा, राहुल सिंह रावत, किसान मोर्चा अध्यक्ष किशन लाल सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। नीतियों के विरोध में ज्ञापन दिया गया, उसके बारे में जानकारी। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी एक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व ने किया है। हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय मदन जी भंडारी, इनके नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी मोर्चों के अध्यक्षों ने यहाँ इकट्ठे होकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार ने वादे किए थे आम लोगों से, जैसे बिजली की दरें हम नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की दरें बढ़ा दी गई है, बिजली हम 8 घंटे देंगे किसानों को, 6 घंटे भारतीय जनता पार्टी के राज के समय में 6 घंटे मिलती थी, आज 2 घंटे भी किसानों को बिजली नहीं मिलती है। उद्योगपतियों को 2400 घंटे बिजली मिलती है। किसान, आम किसान चिंतित है और परेशान है और पूरा राजस्थान भय के वातावरण में जीने को मजबूर है और अराजकता इतनी फैली है सरकार में। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तस्करों को बढ़ावा देना, तस्करों को शरण देना, ये सरकार ने किया। सरकार हर मोर्चे में विफल है। हम सब लोगों ने मिलकर के एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा और हमने ज्ञापन दिया है आदरणीय एसडीएम साहब को। इससे सुनवाई होती है, सरकार चेतती है तो ठीक है, वरना भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी और पुरजोर तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को बहुत जल्द आने वाले समय में उखाड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो।